खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम जी भाले और जिला कलेक्टर कानाराम ने रावतेश्वर की दनियासर ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान शिविर स्थल पर लगी विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया, अधिकारियों से योजनावार लाभान्वितों का फीडबैक लिया है। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि विकसित भारत कैंप का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 2047 में 100 वर्ष पूरे होने और आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक हम अगर संकल्प लें तो राष्ट्र को निश्चित तौर पर विकसित बना लेंगे। उन्होंने कहा कि 17 योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा की फिल्म का प्रदर्शन भी किया है। प्रमुख सचिव ने उपस्थित आमजन को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की शपथ दिलाई है। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को शिविर में ही गैस कनेक्शन के साथ ही गैस सिलेंडर और चूल्हे का वितरण किया। और जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि हम पूरी तरह सैचुरेट करना चाहते हैं स्कीम में, कोई ना बचे, अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी वो भी इसका लाभ ले, तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पधारें और यह लाभ लें। धन्यवाद सर। भारत विकसित सीट के बारे में बताइए। के बारे में आज जो यात्रा निकली थी और हमारी ग्राम पंचायत में बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। हमारे यहाँ आज श्रीमान प्रभारी सचिव महोदय आए, कलेक्टर साहब आए और श्रीमान एसडीएम साहब आए और हमारे प्रतिनिधि सरपंच लक्ष्मण खालिया और सरपंच रामी देवी खालिया उपस्थित थे और बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया गया और हो भी रहा है। जैसे जो भी कार्य हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है और हमारा कार्यक्रम सफल रहा। सरकारी योजनाओं से भी ग्रामीणों को लाभान्वित किया? हाँ बिल्कुल, लाभान्वित किया गया। उज्ज्वला जैसे उज्ज्वला योजना से हमने गैस जारी किया और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, वो आज लोगों को लाभान्वित किया गया।